माय रिचार्ज मॉर्निंग ऑल लीडर्स, मैं नीतू शर्मा अहमदाबाद गुजरात से आप सभी का आज की जूम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी जूम का हर एक दिन का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन ही होता जा रहा है, और आज का जो टॉपिक है वो तो सबसे हटके है, क्योंकि दोस्तों जब बात हमारे सपनों की हो तो वो तो अलग होगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हम कहीं ना कहीं अगर हम जॉब के साथ या कोई भी काम के साथ अगर माय रिचार्ज को कर रहे हैं, तो जैसे हम जहाँ पे भी अगर कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ हर चीज की बात होती है, आपने इतना टारगेट पूरा किया या नहीं, काम किया के नहीं, लेकिन हमारे सपनों के बारे में कोई नहीं पूछता है। क्योंकि तो हम अगर कहीं भी जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कोई ना कोई सपने के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म सिवा माय रिचार्ज के और कोई नहीं हो सकता। तो मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग करना चाहूंगी हमारे एमडी मिस्टर अशोक कुलारी सर के लिए, कि जिन्होंने इतना बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म बनाया कि जहाँ पे हम खुल के हमारे सपनों के बारे में बात भी कर सकते हैं और उन्हें पूरा करने का सपना भी देख सकते हैं कि हमारे जो सारे सपने हैं वो यहाँ से 100% पूरे हो सकते हैं। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे एमडी मिस्टर अशोक कुलारी सर को। थैंक यू वेरी मच नीतू मैम। माय रिचार्ज आर द मॉर्निंग। दोस्तों, जैसा कि नीतू मैम ने बताया, आज का टॉपिक जो है वो बहुत जबरदस्त हमारा टॉपिक है। सपनों के ऊपर बात, ड्रीम्स के ऊपर बात। लेट्स टॉक अबाउट द ड्रीम्स। आओ सपनों पे बात करें। ये टॉपिक के ऊपर जो है वो बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो इस चीज के ऊपर आपसे कहीं बात करेंगे। लोग बात क्या करते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप ऐसे नहीं हैं, आप वैसे नहीं हैं। सोसाइटी में क्रिटिसिज्म आपको चारों तरफ मिलेगा, लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि आओ सपनों पे बात करें, अपने सपनों पे बात करें, आपके सपनों पे बात करें, सबके सपनों पे बात करें। तो इन सपनों पे बात करने वाले हमारे साथी, आप चाहते हैं कि आपकी मीटिंग में और ज्वाइन करें तो रोज इस सपने को बड़ा करिए। जूम को लिंक को अपने हर ग्रुप में भेजना ना भूलिए। हर बार 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 लगातार कंटिन्यू कंटिन्यू, क्योंकि हम सपनों को जो है चुराते नहीं हैं, हम सपनों को बड़ा करते हैं। हम लोगों के सपनों को साथ लेके उनके सपनों को और जागृत करना चाहते हैं, सोए हुए सपनों को जो है मूर्त रूप देने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। और इसलिए जरूरी है कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है आना जरूरी है। अगर हमको ठंडा पानी पीना है तो ठंडे पानी के स्रोत के पास जाना पड़ेगा। अगर हमको गर्म पानी पीना है, क्योंकि अभी ठंडे की बात करेंगे, ठंडी बहुत ज्यादा है, तो गर्म पानी की भी अगर बात करेंगे तो गर्म पानी के स्रोत तक पहुंचना पड़ेगा, हमको पानी को गर्म करना पड़ेगा। तो हमारे सपनों को अगर हमें अचीव करना है तो हमें उनको भी गर्म करना पड़ेगा, उनको भी एक धार देनी पड़ेगी। दोस्तों, आज की मीटिंग को शुरू करेंगे एक कहानी के साथ, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने किसी कारण से अगर लिंक नहीं भेजा है अपने ग्रुप में तो भेज दीजिए। आगे से इसको कोशिश करिए कि 6:15 से लेकर 6:20 के बीच में आप भेजना शुरू करें सब साथी, क्योंकि कंपनी से शाम के टाइम पे इसका लिंक आता है, उसके बाद में हमको इसको सबको फॉरवर्ड करना होता है। सारे साथियों के साथ आज एक कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में बहुत दिन तक बारिश नहीं हुई, लगातार 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 बारिश नहीं हुई बहुत टाइम तक। तो लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लग गई कि ऐसा बोला जाता है कि किसान जो होता है उसके लिए भगवान को जो है वो बहुत मानता है, तो उनको कि भाई हमारे ऊपर भगवान रूठ गए हैं क्या, है ना। अगर मैं इधर राजस्थान की बात करूं तो इधर बोला जाता है राम रूठ गया है ना करके, तो ऐसे क्या भगवान रूठ गए हैं क्या करके। तो बहुत बहुत चिंतन करने के बाद एक ज्ञानी आदमी से पूछा, तो उन्होंने बोला एक हवन करो। तो ये हवन जब करेंगे तो उससे वातावरण में शुद्धि आएगी, और वातावरण में शुद्धि आएगी तो जो है, क्योंकि साइंस का भी रूल भी यही है कि जहां पर ऐसा वातावरण बनता है तो बादल अपने आप नीचे की तरफ आते हैं। तो शुद्धि का मतलब यह है कि पोल्यूशन कम होगा, शुद्धि का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो कम होगी तो नीचे की तरफ बादल आएंगे। तो पूरे गांव ने डिसाइड किया, और बहुत 10-15 दिन की एक पूरी एक मुनादी के बाद, एक पूरी एक घोषणा के बाद, जगह जगह से, उसी गांव से नहीं, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, पांचवा गांव, सातवां गांव, 10 गांव आसपास से जो है लोग उस हवन की तरफ चल दिए। उसी हवन में
एक बच्चा भी जा रहा है, उम्र कितनी है? 10 साल। 10 साल का बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा है, तो बच्चे ने अपने साथ छाता ले लिया है। अब पहले तो घर से जब निकल रहा है बच्चा, तो उसके पापा पूछ रहे छाते का क्या करोगे? बोला बारिश होगी ना। बोला अच्छा, तो उन्होंने मुस्कुरा के टाल दिया, आगे चल रहे हैं, साथ में बच्चा छाता लेके जा रहा है। जो भी व्यक्ति मिलता है वो देखता है, अरे ये बच्चा छाता लेके क्यों आए हो तुम? बोला बारिश होगी ना। तो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, चुप हो जाते हैं सुन के। जब एकदम हवन स्थल पे पहुंचे, तो जो पंडित जी हवन करा रहे थे उनके भी बच्चे के ऊपर नजर पड़ी। अरे छाता, अरे बेटा छाता लेके क्यों आए हो? बोले पंडित जी, जब आप हवन करेंगे, हम लोग सब प्रार्थना करेंगे, तो बारिश होगी, इसलिए मैं छाता लेके आया हूँ। इसको बोलते हैं बिलीव, इसको बोलते हैं ड्रीम। बच्चे को 100% बिलीव था, बच्चे को 100% उसके ड्रीम में की बारिश होगी, हम ये जाएंगे, जब हवन होगा तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, गांव में जो पिछले बहुत दिन से बारिश नहीं हुई है वो बारिश होगी। दोस्तों यही चीज, ठीक सेम यही चीज, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके सपने होते हैं, अपने ड्रीम्स होते हैं। जितना डेसिबल पेन होता है उसमें, अगर नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी नॉर्मली, लेकिन आज से हजारों हजार साल से माताएं बच्चों को जन्म दे रही है। किस लिए? उनका एक ड्रीम है कि एक दिन बच्चे को मैं अपनी गोद में खिलाऊंगी, एक दिन। दूसरा ड्रीम जो है, मैं बच्चा को मैं बोलूंगी, बोल बेटा माँ, और मेरा बच्चा जो है सामने से बोलेगा माँ। इस ड्रीम के लिए, हमारे ड्रीम के लिए ही हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं। बच्चा अपनी मर्जी से स्कूल जाता है क्या? आपने देखा, हो सकता है 6 महीने 8 महीने बाद जाए, लेकिन शुरू में जब पहले दिन आप स्कूल भेजते हैं, दूसरे दिन जब जब 1 महीने 2 महीने बाद उसको ड्रेसअप करते हैं, उसका टिफिन बनाते हैं सारा, ये किसके ड्रीम के लिए? आपके, हमारे ड्रीम के लिए, खुद मम्मी पापा के ड्रीम के लिए। तो तीनों कड़ी में बच्चा पैदा होता है, उससे पहले एक ड्रीम कि मेरा बच्चा होगा, मेरे बच्चे को ऐसे बोलूंगी, फिर उसके बाद में वो बोलता है, उसके लिए एक बार नहीं, माँ हजार बार उसको बोलती है, बोल बेटा माँ, बोल माँ, कभी ऊपर मुंह करके, कभी नीचे करके, कभी ऐसे घुमा के, कैसे, कभी ऐसे करके, कभी उसको ऐसे किस कर रही है, कभी ऐसे किस कर रही है, फिर बोल रही है, फिर बोल रही है, फिर बोल रही है करके। एक दिन बच्चा बोलता है माँ, तो माँ वहीं पे नहीं रोकती है, फिर बोलती है बोल पापा, फिर पापा, फिर वही नहीं रोकती है, और बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, और ये धीरे 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 बोलता बोलता बच्चा जो है, एक दिन इसका नंबर आता है कि अब इसको स्कूल भेजना है। बच्चे ने कभी नहीं चाहा। बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो है वो पहले, बाद में तो इंटरेस्ट आने लग जाता है, लेकिन शुरू में जाके आके क्या बोलते हैं, मैं नहीं जाऊंगा कल स्कूल में, मैं कुछ न कुछ चीजें शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी हम भेजते हैं। किस लिए? हमारे ड्रीम के। लेकिन आज जिस चीज की हम बात करने वाले हैं, वो तो हमारे खुद के ड्रीम्स है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक पंजाबी कवि हुए हैं अवतार सिंह पास, दोस्तों मैं उनकी एक कविता, बहुत लंबी कविता है, लेकिन उसके कुछ हिस्से पढ़ के सुनाना चाहता हूं उन साथियों के लिए जिनके कोई सपने नहीं है। बोलते हैं सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब कुछ सहन कर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जिसके ड्रीम्स नहीं है वो एक जिंदा लाश है इस पृथ्वी पर, कुछ भी नहीं है, वो जिंदा लाश है, उसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। सबसे खतरनाक होता है, वो बोलते हैं चोरी, मक्कारी, झूठ, कुछ भी खतरनाक है, खराब है, जुआ, सब खतरनाक है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना, ड्रीम्स का ना होना, तड़प का ना होना, घर से निकलना, बाहर वापस घर आ जाना, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अरे मुस्कुराओ, अरे हंसो, और खिलखिलाओ, ये भी एक ड्रीम का हिस्सा है। आप हंसेंगे, आप मुस्कुराएंगे, तो दूसरे लोग भी मुस्कुराएंगे करके। तो अपने लिए मुस्कुराओ, दूसरों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए मुस्कुराओ, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए मुस्कुराओ, अपने मम्मी पापा के लिए मुस्कुराओ, एक जिंदा दिल इंसान होने के लिए मुस्कुराओ। तो सपनों का जो है होना बहुत जरूरी है हमारे सपने में। अभी अभी जो एक गाना बज रहा था, उसमें बहुत जबरदस्त एक चीज जो है, वो एक लाइन जो है मुझे बहुत प्रभावित करती, बहुत ही सॉन्ग बहुत जबरदस्त है, कि एक दिन तुम्हारा भी नंबर दिन आएगा, सारी चीज है,
लेकिन इसमें एक लाइन आती है, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है। कर दिखाने का मौका किस्मत हर किसी को देती है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, हर किसी को देती है। बोलते हैं कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। यही प्रॉब्लम है बस ड्रीम के साथ कि मौका तो सबको देती है लेकिन उसके तैयारी और उसके लिए ना दिन बहुत देती है, गिन के तैयारी के दिन बहुत कम मोहलत देती है। ये हर किसी के ड्रीम के साथ है। इसलिए हम बोलते हैं 50 साल नहीं, 5 साल, 5 साल का रोड मैप पे काम करते हैं, अगले 1 साल के ड्रीम्स के ऊपर काम करते हैं, फिर इनको जो है हम बांट लेते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, या हम बोले कि हमारे तात्कालिक जो है ड्रीम्स वो मिड टर्म ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स और अल्टीमेट गोल मेरी लाइफ का। तो हम इनको 4 हिस्सों में बांट लेते हैं, उसी के रूप में बात करते हैं। और आपने अगर ड्रीम अनलिमिटेड प्लान का जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर देखा होगा तो एक स्लोगन है हमारा, ड्रीम इट, मैक्सिमाइज इट, अचीव इट। सोचो और बड़ा सोचो और अचीव करो। तो हमारा ड्रीम अनलिमिटेड प्लान का स्लोगन ही है, सपने लो और बड़े करो, अचीव करो। तो आज हम लोग जो है आप सारे साथियों से बात करने वाले हैं कुछ इन्हीं ड्रीम्स के बारे में। जो आपने अपने ड्रीम्स लिखे हैं क्या? क्योंकि लिखित ड्रीम जो है वो सबसे पहले अचीव होते हैं। अलिखित जो जो ड्रीम होते हैं वो, और जिनकी कोई तारीख नहीं होती। हमने एक सेशन किया था यहाँ पर, बहुत शानदार, आप साथियों ने गजब का उसमें पार्टिसिपेशन किया था, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ गोल एंड ड्रीम्स, इसके ऊपर बहुत जबरदस्त सेशन हुआ था, बहुत भयंकर सेशन हुआ था, आप यूट्यूब पे उसको देख भी सकते हैं। तो उसी उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे। पहला चीज जो साथी इस जूम मीटिंग में आ रहे हैं रेगुलर, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी डायरी बनाइए। अगर आपके पास डायरी नहीं है तो आप उन लोगों से बेटर कर रहे हैं जो जूम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी के साथ उतना भी बेटर नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, क्योंकि तैयारी के गिन के दिन बहुत कम मिलेंगे। ये चीज ध्यान रखिए, जब अचीव करता, जब जब किस्मत जब छप्पर फाड़ के देता है ना ऊपर वाला, तो नेट बना के तैयार रहिए। ऊपर वाले ने आपको पटका, नीचे जाके फर्श पे गिर गए, नहीं, तब हमारा नेट होना चाहिए। ऊपर वाला जब भी मौका देता है ना, उस वक्त हमें रेडी रहने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें एक मस्त बिंदास डायरी लेनी है, उसमें हमारे ड्रीम्स को फैमिली के साथ बैठ के उन ड्रीम्स को लिखना है। तो आज उस पर बात करेंगे, लेकिन आज मुख्य रूप में हम बात करेंगे कि आपने अपनी डायरी में क्या वो ड्रीम्स लिख रखे हैं। मैं तो बोलता हूं 15 ड्रीम्स लिखिए, 1 से लेके 15 ड्रीम्स लिखिए, वो 6 ड्रीम भी लिखिए जो आपको लगता है मैं जिंदगी भर कुछ भी ताकत लगा लूं तो भी अचीव नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, उनको भी लिखिए। लिखो, लिखने से अचीव होंगे, लिखने हैं। तो आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि आपने अपनी डायरी में कुछ ड्रीम्स लिखे हैं क्या? तो लिखे हैं तो उनके ऊपर आप बताना चाहेंगे क्या लोगों, और उनमें से कोई अचीव हुए हैं क्या, उन 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 चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, है ना। आओ सपनों पे बात करें। तो आज सबके सपनों पे क्यों बात करना चाहते हैं, हमारे इस फॉर्मेट में 3 किस्म से लोगों को मौका मिलता है अपने ड्रीम्स को बताने का। नंबर 1, हम हर सैटरडे को जो है फॉलो अप सेशन होता है प्लान प्रेजेंटेशन के बाद, और उसमें 1 से 2 लीडर जिन्होंने अच्छे सक्सेसफुल सक्सेस प्राप्त की है उन साथियों की हम बात करते हैं। उसके अलावा बीच बीच में हम कभी 5, 7, 8 लीडर्स को एक पूरे सेशन में बात कर लेते हैं, है ना, जो अभी अपने उस अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे साथी जो सोचते हैं मुझे मौका कब मिलेगा मेरे ड्रीम्स के बारे में बात करने का, मेरे मेरे चीजों को करने का, मैंने कुछ जो अचीव कर लिया है, छोटा ही सही मैंने अचीव तो किया है, उसके ऊपर मुझे कब मौका मिलेगा। तो उसी कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो साथी बोलते हैं वो साथी उस सेशन में भी बोलते हैं, बड़े सेशन में भी बोलते हैं, है ना, लेकिन जिनको मौका नहीं मिला वो बोले यहाँ पे आके अपनी बात को बताएं। क्योंकि जितना आप बोलोगे, स्पीक आउट योर ड्रीम्स, जितना आप बोलेंगे उतना बड़ा करते जाएंगे, जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतने आप अचीव करते जाएंगे। तो आज उन सारे साथियों को सुनने का मौका है। तो आपको लगता है उनमें से एक वो है
जो अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, वो सारे साथी डिजिटली हैंड रेज करें। उन सारे साथियों से आज की मीटिंग में हम लोग चर्चा करेंगे, आज की मीटिंग में हम उनसे सुनेंगे, उनकी बात को हम जानेंगे, उसकी बात को जो है पूरे देश भर के जो हमारे साथी यहाँ पर लगभग पौने 800 के आसपास साथी सुन रहे हैं, उन सारे साथी तो सुनेंगे सुनेंगे, लेकिन दिन में ये YouTube पे भी आएगा, उसमें भी करेंगे, बहुत सारे साथी इसकी क्लिप भी बना लेते हैं, वो भी देखेंगे, तो आपकी बात बहुत सारे साथियों तक पहुंचती है। और जरूरी है कि हम लोग अपने सपनों को बार बार जागृत करते रहे, क्योंकि सपने जो है वो अचीव होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। सोते हुए सपने तो आलसी लोगों को आते हैं, जब पूरी नींद हो जाती है फिर भी सोते रहते हैं तब सपने आते हैं। जो जो लोग अपने ड्रीम्स के लिए काम करते हैं उनको सपने आते नहीं है। कौन से वाले? नींद वाले सपने उनको कभी नहीं आते हैं। मुझे याद नहीं है मुझे आखिरी बार कब नींद का सपना आया है, क्योंकि वो सपना आने से पहले हम उठ जाते हैं, क्योंकि हमें जागृत जागने वाला सपना जो है वो मौका देता है। चलिए शुरुआत करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे साथियों ने अपना हैंड रेज किया है, तो मैं राखी विश्वास मैडम को सबसे पहले जो है यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। राखी मैडम आप आइए और अपनी बात रखें। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा जी ड्रीम 2024 24 तारीख को, 24 दिसंबर 2024 तक मैं डायमंड डायरेक्टर बनूं। इतना मेहनत तो मैं करूं और बन के जो इनकम होगा उससे मेरे बेटे का एजुकेशन का खर्च मैं खुद उठाऊं। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम, दो ड्रीम आपने लिखे हैं, बेटे की एडुकेशन का पूरा खर्चा आप उठाएं, क्या कराना चाहती हैं बेटे को मैडम? बेटे को कम से कम इस काबिल बनाओ कि वो अपना जितना भी हम लोग मेहनत करके बनाए हैं घर बार जो भी है वो संभाल सके। बेटे को जरूरत होगी वो पैसा आप कमा पाए। डायमंड डायरेक्टर आप बनना चाहते हैं दिसंबर 2024 तक, और जो है बेटे को उसका काबिल बनाना चाहते हैं कि वो आपका और नाम रोशन करे, और उसके लिए जितने पैसे की जो भी जरूरत है उसको जो है आप अचीव कर लें। तो ये आपने दो चीजें लिखी हैं इस कड़ी में। आपने कहाँ कहाँ पे लिख के रखा है इस ड्रीम को मैडम? मैं दीवार पे भी लिखी हूँ और मैं अलमारी के ऊपर भी चिपकाया है और मेरे डायरी में तो है ही है, कल रात को भी मैं लिखी हूँ। 3 जगह पे जो है अपने ड्रीम्स को लिखा है, डायरी में लिखा है, अपने घर में अलमीरा है उसके ऊपर लिखा है, और वॉल के ऊपर भी लिखा है, उसको बना के लगा दिया है कि ये ड्रीम्स को मुझे इस साल में अचीव करना है ना, इस साल में मुझे ये दो ड्रीम्स के ऊपर अपना काम करना है। और भी आपने अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स भी बनाए होंगे और छोटे स्टेप्स भी, तो इनको एक कड़ी बना के ऐसे लगा दें तो और ज्यादा जो है बेटर रूप में हम देख पाएंगे। बहुत शानदार मैम, बहुत स्पेसिफिक ड्रीम है, बहुत क्लियर ड्रीम है कि मुझे इसके ऊपर काम करना। मैंने जैसे बात किया था कि छोटे बच्चे से लेके, तो एक माँ के लिए अपने बच्चों को जो है ना सक्सेस होते देखना सबसे बड़ी बात है। और आगे बढ़ते हैं, कल्पना मैडम को बुलाते हैं एक बार। जी मैम, जी सर, माय रिचर्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग जी मैम, सर। मैं मेरा जो सपना है ये जूम के आने के बाद मैंने एक डायरी बनाया है, जी संकल्प का डायरी और ड्रीम का डायरी, उसमें ही जी लिखी हूँ जो मैं मेरा जो सपना है। तीन भाग में है, तीन जी पॉइंट में है, एक शॉर्ट टर्म ड्रीम, एक मिड टर्म ड्रीम और एक लॉन्ग टर्म ड्रीम और जी एक अल्टीमेट ड्रीम जो है मैंने जी लिखी हूँ। और उस सपना को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा, जो संकल्प है वो भी मैंने लिखी हूँ। जो आपने बोला है सात चीज करना है और सात चीज नहीं करना है, वही मेरा बात है। जी और मेरा जो अल्टीमेट ड्रीम है वो है मेरे पैसे, खुद का पैसा में मैं एक घर बनाना चाहती हूँ। उस घर का जो पिक्चर है मैंने बाहर के निकाल के आए और वो पिक्चर मेरे मिरर के सामने चिपका के लगा के रखा हूँ। रोज मैं देखती हूँ, ऐसा एक घर मुझे चाहिए बनाना है माय रिचर्ज के पैसे से। और वॉल में भी लगा के रखा हूँ और डायरी में तो लिखा लिखी हूँ। और जो शॉर्ट टर्म ड्रीम है वो हर महीने दो तीन चीज वो पूरा हो जाते है, वो नीड्स है हमारा मेरा। और मिड टर्म ड्रीम में मेरा जो एक बड़ा सा फोन वो तो मैंने ले लिया है, और जो लैपटॉप है वो तो मैंने बोल दिया कि क्या कौन सा डेट में लूंगी, डेट भी दिया है उस ड्रीम के पास में और अमाउंट भी लिखा हूँ कितने अमाउंट के वो ड्रीम मुझे लगेगा, वो सपना मुझे चाहिए। तो ऐसे करके मैं काम भी कर रही हूँ फील्ड में, हर दिन फील्ड में रह रही हूँ। सपना लिख के कुछ नहीं होगा, उसमें वर्क भी करना पड़ेगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा। थैंक यू सर।
बहुत शानदार मैम। तो बहुत सारी चीजें कल्पना मैडम ने बताई। पहला चीज बताया कि कुछ चीजें अचीव हो गई हैं, उनको कर लिया है। एक अच्छा फोन मैंने लिया है ना, तो अच्छे फोन ना जब लेते हैं तो हमारा वीडियो बहुत अच्छा आता है ना, और उसका इंटरनेट भी सही चलता है, क्योंकि क्वालिटी के फोन्स में जो है वही नेट जो है आपका बढ़िया चलने लग जाता है, जो एक दूसरे में नहीं चलता है। दूसरा चीज है, इन्होंने अपने सारे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और अल्टीमेट गोल्स को लिखे हैं, और उसके लिए कहाँ कहाँ लिखे हैं, डायरी में भी लिखे हैं, मिरर के पास में चिपकाया है, तो उल्टा चिपका दिया कि मैडम जो दिखता है बार बार नहीं सर, बराबर में मुझे चिपकाया दिखता है है। जब भी रोज, मिरर का हर दिन बोलते हैं दिखता कि किसी भी, मजाक कर रहा हूं मैडम लेकिन ये सही है, बोलते हैं अगर किसी महिला को, अगर आपको बहुत ही ये देखना है कि वो कितनी बेचैन होती है, तो उसको पूरी तरह वो श्रृंगार करने के बाद उसको विदाउट मिरर के एक रूम में छोड़ दीजिए उनको, तो वो पागलपन की हालत हो जाती है। तो महिलाएं क्या, आप तो जेंट्स भी देखते हैं खैर मिनट मिनट में, जैसे हम मोबाइल में भी हम लोग देख लेते हैं ऐसे करके अपना फेस देख लेते हैं और मिरर को, तो जब भी मिरर देखेंगे तभी ड्रीम दिखेगा, और वॉल पे भी इसको चिपकाया है और अचीव भी किए हैं उनमें से कुछ को जो है, जैसे अपना लैपटॉप लेना है अपना, लेकिन अल्टीमेट गोल आपने लिखा कि मुझे एक घर बनाना है, फोर इन ट्यूब भी हो सकते हैं, गाड़ियां भी हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे ड्रीम्स हैं, हर साथी का अलग अलग ड्रीम है, तो उन ड्रीम्स के लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत शानदार कल्पना मैडम। सुधीर जी आइए एक बार। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर। सर मैं टारगेट लिया था अपना नवंबर महीना में कि एमराल्ड क्वालिफाई करना है, पहले मेरा नहीं हो पा रहा था सर, लेकिन जब जी आपने कहा ड्रीम की डायरी लिखो तो मैंने कई बार तो इसको मना कर छोड़ दिया था, और एक बार आपने पूछ ही लिया था कि डायरी बनाए क्या, तो मैंने बोल दिया मैं पेटी में रख दिया हूँ, बक्सा में नहीं हाँ निकाला हूँ, तो मैं झूठ बोला था सर वहां पे। लेकिन उसके बाद तो इतना हमको दबाव आ गया ना इधर घर से भी कि सर को आप ठगते हैं ना, खुद को भी ठगते हैं, तो मैंने अपना डायरी सर बना लिया और नवंबर महीने में मैंने लिख दिया कि हमको एमरल्ड क्वालिफाई करना है, तो बड़े आसानी से सर मेरा दिसंबर में क्वालिफाई हो गया, नवंबर में क्वालिफाई हो गया, तो अभी मैं एमरल्ड क्वालिफाई कर रहा हूँ। और मेरा जनवरी में टारगेट हो गया था सर कि ये डायमंड क्वालिफाई करेंगे, लेकिन ठंड इतना पड़ रहा है ना सर, 8 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है, तो एमरल्ड क्वालिफाई तो मैं कर चुका हूँ। और मेरा सपना है सर कि मैं अपने जैसा हजारों लोगों का एक ऐसा विशाल टीम खड़ा करूं, जैसा मेरा सपना है मैं उनका भी सपना को पूरा करूं। मैं बहुत सारा चैरिटी करना चाहता हूँ सर, क्योंकि बचपन से मैं देखता हूँ बड़े लोग को कि लोग चैरिटी करते हैं, उनका नाम होता है, उनका पोस्टर में आता है, उनको बहुत सारे सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिलता है, तो मेरा भी सपना है कि मेरे पास भी पैसा हो और मैं चैरिटी करूं। और मेरा एक सपना है, मैं छोटा सा एक अपने पिताजी के बनाए मकान में रहता हूं, तो मेरा सपना है कि 2025 से लेकर के 30 तक, चूंकि मेरा 38 एज भी हो गया है, तो मैं एक अपने सपने का महल बनाऊं जिसमें मैं पूरे अपने जीवन को बिताऊं अच्छे ढंग से, और बच्चों के लिए मैं अच्छी शिक्षा का व्यवस्था कर सकूं, ये मेरा ड्रीम है। और मेरा सर ये है कि लग्जरी कार भी हमको 2024 में सर लेना है, क्योंकि मार्केट से हमारे टीम का भी डिमांड है, और मेरा भी सपना है कि इस ठंड में, मैं कल मधुबनी से आ रहा था सर, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था, कपकपा रहा था शरीर, घर आके सीधे मैं कंबल में आ गया, तो मेरे पास अगर कार होता तो ठंडा तो नहीं लगता, तो ये बहुत सारे मेरे अंदर में सपना चल रहा है सर। और 2024 में तो मैं जबरदस्त ढंग से डायमंड और डबल डायमंड को भी क्वालिफाई कर जाऊंगा सर। नमस्कार बहुत सर। शानदार सर, बहुत शानदार। अगर आपने सुधीर जी की बात को ध्यान दिया हो तो एक जिम्मेदार पति, एक जिम्मेदार पिता और एक जिम्मेदार बेटा है सबसे पहले। बहुत सारी चीजें बोली हैं लेकिन जो चीजें इन्होंने यहाँ पे बोली अपना, वो चीजों, क्योंकि पत्नी ने बोला, रमिता मैडम ने बोला कि आप खुद को भी ठगते हैं और सर को भी ठगते हैं, क्योंकि आपने तो ड्रीम ही नहीं लिखा है, आप तो बोल रहे हैं तो लिखा तो अचीव हुआ है। इसलिए बहुत सारे साथियों को लगता है सर आप बोलते अचीव होता है कि हाँ अचीव होता है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं, अचीव होता है इसीलिए हम बात कर रहे हैं। इन्होंने लिखा नवंबर में हुआ, दिसंबर में एमरल्ड हुआ और जनवरी के लिए इन्होंने अपना डायमंड लिखा, लेकिन अभी इनको वो सिचुएशन नहीं लिख रही है, लग रही है। लेकिन सुधीर जी उसके लिए एक और नई डेट दे दीजिए डायमंड को, मतलब इतना आगे भी मत दे दीजिए कि वो अचीव नहीं हो, लेकिन एक और नई डेट दे दीजिए, वो है
ये महीने नहीं तो फरवरी की उसको डेट दे दीजिए कि हम बिल्कुल अचीव करेंगे, फरवरी में है था। ना। राइट। दूसरा चीज इन्होंने बताया कि अपने बच्चों को अच्छी एडुकेशन, है ना, अपने पेरेंट्स को जो है इन्होंने बहुत सारी चीजों के अंदर देखा है, तो उनके लिए एक अच्छी सुख सुविधा, साथ में एक गाड़ी, कि सर्दी में भैया देखिए महसूस जो होता है ना वही हमारा ड्रीम है, कि सर्दी में हमको ठंड लगते आती है, कुछ लोगों के पास गाड़ी है वो उनको नहीं आती, तो हमारे पास क्यों गाड़ी नहीं होनी चाहिए, तो उसको हमें लिखना है। नंबर तीन, एक अच्छा घर, क्योंकि बहुत छोटे घर में रहें तो एक अच्छा घर हो। इसके साथ साथ जो है चैरिटी की बात किया है ना, पहले हमको अपने बच्चों को अपने उसको खड़ा करना है, फिर हम चैरिटी पे आते हैं। चैरिटी कब आती है, जब हम इन सारी चीजों के ऊपर जो है संबल बनते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि देश सेवा, देश की सेवा कौन आदमी सबसे ज्यादा कर सकता है, जिसके पास पैसा है। कुछ लोगों को लगता है कि सर आप बहुत पैसा ओरिएंटेड बात करते हैं। जी मैं करता हूं, पहले मैं नहीं करता था, लेकिन इसको मैंने एनालिसिस किया है लास्ट 10-12 ईयर्स में, और उसमें मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ से कम भी नहीं है। हर चीज को जो है पैसा ऐसी ऐसी चीजें कराता। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके जिनके पास पैसा है लेकिन कोई सोसाइटी को योगदान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको पूछते हैं। हम तो बोलते हैं सोसाइटी को योगदान करो, जिससे आए हो, जिस नेचर को, प्रकृति को, लेकिन उसके काबिल तो बनना है हमको। इसके लिए पैसा कमाना जरूरी है इथिकल वे में, और हमारे सिस्टम को, हम आयुर्वेद को, न्यूट्रा को, न्यूट्रिशन को प्रमोट करके अगर हम इस चीज को कर सकते हैं तो लोगों की हेल्थ भी हम सुधार रहे हैं, लोगों को पैसा भी आ रहा है, लोग पैसा कमा रहे, साथ में हम अगर पैसा कमा रहे हैं, हम ड्रीम अचीव कर रहे हैं, तो इससे अच्छा हो ही क्या सकता है, जबरदस्त रूप में। तो जैसे सुधीर जी ने बताया, डायरी नहीं बनाई थी लेकिन फिर आपने बोला तो बनाई। सर मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस जूम में जितने भी साथी हैं, या इसको यूट्यूब में जितने भी साथी बाद में देखेंगे, कहीं पे फेसबुक पे देखेंगे, अपनी डायरी बनाइए। ड्रीम आपके हैं, सपने आपके हैं, अचीव आपको करना है, आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे। नहीं आए तो मैं पब्लिकली अवेलेबल हूँ, आपको मुझे को मुझको बोलना, सर आपने तो बोला था, हमने लिखा था, वैसे काम भी कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहे। होंगे होंगे होंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। लिखित सपने सबसे ज्यादा अचीव होते हैं, और दीवारों पे और फ्रिज पे और मिरर के पास जहां लगा सकते हो लगा दीजिए, और लोगों को खिल्ली उड़ाने दीजिए। चलिए एक और जुझारू साथी को सुनते हैं, सजन लाल जी आइए एक बार। माय चार्ज ऑफ द मॉर्निंग सर। जी सर। सर हमने ड्रीम को केवल डायरी में लिखा है, जैसे कि इसको आप देख सकते हैं भी सर, भी डायरी मेरे पास है जी। इसमें जो हमारा लॉन्ग मतलब शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म अनलिमिटेड तक है, वो है जैसे अभी जो मेरे पास नहीं है, तो हमारी पहली प्राथमिकता जो 3 महीने की है, 6 महीने की है, साल भर की है, फिर 2 साल की है। स्टार्टिंग जैसे हमारा ड्रेस मेरे पास अभी नहीं है, कोट पैंट नहीं है, जैकेट इसी मार्च तक पूरा हमको कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद फ्रेंचाइजी अपनी 1.5 लाख को करके 75,000 का वो भी लेना है, या इसको 1.5 लाख करके 1.5 लाख प्लस करना है, मतलब इमरट जा करके जी। फिर अगला है, अभी मेरे एक दुकान का कोई कर्ज है सर, इसी साल में हमको कर्ज भी उतारना है, जो लाखों रुपए का कर्ज है इसको भी उतारेंगे इसी 24 में। उसके बाद है जो अपना 24-25 का है, अप्रैल में डायमंड डायरेक्टर, और हमको 4 व्हीलर नहीं, इसी 2024 से में हमको मोटरसाइकिल भी लेना है, क्योंकि हमारे बच्चे को भी दिक्कत हो रही मोटरसाइकिल में। फिर इसके बाद है 2025 में अपने बेटे की शादी करना है, और 4 व्हीलर भी हमको 2025 में ही लेना है। और इसके बाद हमारा जो अनलिमिटेड गोल है वो है अपना है कि मीटिंग हॉल, जो मेरे पास नहीं है, जो मैं कभी सोच नहीं सकता, एक बड़ा मीटिंग हॉल जो हमारे लीडर्स हैं उनको बुलाना, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना, और उसके बाद गौशाला, जो अनाथ गायें हैं, अनाथ बछड़े हैं, गौशाला भी बनवाने का अल्टीमेट गोल में है। और उसके बाद मेरा जो अगला गोल है गुरुकुल, एक संस्कार युक्त शिक्षा जहाँ पे हम बच्चों को दे सके, ये हमारा गोल है। और उसके बाद लास्ट में जो 15वां है वो है अपनी इनकम का 10% अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए दान करना। सर मेरा ये 15 गोल है जो मेरे पास नहीं है, उसको मैं धीरे धीरे अचीव करूंगा।
2024, 25, 26, 30 और जो भी आगे होगा। बहुत शानदार सज्जन लाल जी, देखिए कितना इमोशन के साथ इनके ड्रीम्स है। अगर आपने सारे साथियों ने सुना हो तो छोटे से बड़े क्रम में और उनमें हर चीज जो है रियलिस्टिक है ना, कि मेरे पास अभी वो ड्रेस है वो मैं उसको और बेटर करना चाहता हूँ ना अगले कुछ दिन में, तो एक मेरा कोट पेंट भी चाहिए मुझे और एक अलग से जो है मुझे जैकेट भी चाहिए, तो दोनों चीजें जो है शॉर्ट प्लान दिखाते वक्त और वैसे उनके लिए मुझे चाहिए। फिर हमें जो है बाइक लेनी है इसी साल में, है ना, कार तो लेनी है लेकिन इस साल में नहीं, इस साल में हमें लेनी है। एमराल्ड डायरेक्टर बन के फ्रेंचाइजी का जो कंपनी मॉडल देती है कि भाई 1.5 लाख आप लगाओ, 1.5 लाख की कंपनी लगा के दे देती है, उसको मुझे उसमें कन्वर्ट करना है जिससे कि हम और ज्यादा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करा सके। इसके अलावा जो है लॉन्ग टर्म में डायमंड डायरेक्टर का भी टारगेट रखा है, कार का भी टारगेट रखा है, सोसाइटी को डोनेट करने का, कि सोसाइटी जिसने हमें दिया है उसको हम रिटर्न करें वापस से। और बोलते हैं कि ये जितना हम देते हैं ना उतना हमारे पास लौट के आता है, लेकिन पहले देने योग्य बनना है ना सारा। हम सन्यासी नहीं, हम ग्रस्त हैं, हम 100 रुपया कमा के 100 रुपया दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 1 लाख कमाते हैं तो हम 5 हजार दान कर सकते हैं आसानी से। हम अगर 10 लाख कमाते हैं तो हम 50 हजार दान कर सकते हैं, लेकिन हम 1 लाख में से 1 लाख दान नहीं कर सकते, लेकिन 1,000 में से, 5,000 में से, 10,000 में से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो बहुत ही शानदार अपने ड्रीम से सज्जन लाल जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा इनको लिख के आप घर पे भी लगाइए, मतलब दीवार पे थोड़ा सा लगाइए, बोर्ड पे लगा सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि मैं एक अपना ट्रेनिंग सेमिनार हॉल भी बनाना चाहते हैं, तो वो बनेगा, लेकिन उसके पहले घर की दीवार पे भी अपने ड्रीम्स को जो है आप लगाइए, देखिए आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके बिजनेस की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, वो बार बार दिखना शुरू हो जाएगा। इसको बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, और आगे बढ़ते हैं। सही सब रोए आइए एक बार, सही सब जी। मॉर्निंग सर। जी सर, हाँ सर, हम तो जीरो से शुरू किया हमारा जिंदगी, जब मैं जॉब पाया उसके बाद मैं लैंड खरीद किया और उसके बाद घर भी किया था, तैयार किया, तो इसीलिए हमको लोन लेना पड़ा था। 12 लाख के एक लोन लिया था हम, तो हमारा घर तो अभी हमारा नहीं है, बैंक के है, इसीलिए मैं टारगेट लिया, और हमारा ड्रीम है 2028 December 31, इसी के साथ हम लोन फ्री होंगे, हमारा फिनेंशियल फ्रीडम भी हो जाएगा, पर मंथ 5 लाख हमारा इनकम मॉरीशस से हो गए। और शॉर्ट टर्म ड्रीम में है इसी साल के 2024 31 December हम तो डायमंड क्लब डायमंड डायरेक्टर अचीव करेंगे, और हमारा इनकम भी 50,000 मस्ट हो जाएंगे। बहुत शानदार सर। तो ऐसे ही देखिए हर साथी का अपना ना ड्रीम है, उसको बहुत क्लियर रूप में, इसको मैं बोलूंगा डायरी के साथ, लेकिन बोर्ड पे लिखिए, दीवार पे लिखिए, जहां लिख सकते हैं, जहां दिखता है उसको जरूर लिखते जाइए, आगे बढ़िए। और ड्रीम्स को जो है ना, मैं आपने एक बात बोली है उस पर मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत लंबे अगर छोटे ड्रीम्स को रखेंगे तो अचीव नहीं होंगे, बहुत छोटे भी ड्रीम्स रखेंगे तो अचीव नहीं होंगे, छोटे ड्रीम्स को लंबा रखेंगे तो अचीव नहीं होंगे ना। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, इसको ध्यान रखिए। जैसे ही हम बहुत छोटे ड्रीम कर लेते हैं अचीव नहीं होते हैं, और छोटे ड्रीम को लंबी दूरी का कर देते हैं तो भी अचीव नहीं होते। हमको ब्रिक्स जैसे, जैसे ब्रिक्स होते हैं ना दीवार में ईंटें होती हैं, ऐसे हमारे ड्रीम्स को जो है ना छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे, और वहां पे एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। जैसे सुधीर जी ने बोला ना कि मैंने लिखा कि जनवरी में मेरा डायमंड बनेगा लेकिन नहीं बन रहा है, लेकिन उसको फेस किया उन्होंने, तो उसको फरवरी वो अब अपडेट दे रहे, तो फेस करना है हमको। तो मैं इतना ही बोलूंगा, आपने बहुत शानदार ढंग से अपनी सारी चीजें की हैं, लेकिन उनको और नजदीक खींचो पकड़ के। पप्पू श्रीवास्तव जी आइए एक बार। माय रिचार्ज का मोनिन सर, जी सर, सर मेरा ड्रीम था 2022 को बाइक लेने का, वो हमने पूरा कर लिया। 2024 को मेरा ड्रीम
और मैंने 8x10 का मैंने अपने यहाँ फ्लश लगा रखा है अपने बेडरूम के सामने। हाँ और सर ये 24 में हमको करना ही करना है, मोबाइल भी हमने ड्रीम लिखा था वो भी हमने पूरा कर लिया सर। बहुत शानदार। तो क्या तारीख लिख दी इस पे? तारीख तो नहीं लिख रही, फ्लैक्स ही लगा दिया पूरा, बाइक और कार के साथ खुद का जो है तारीख लिख के पूरा फ्लैक्स बनवा के ही लगा दिया है घर के अंदर। तो ड्रीम तो अचीव होगा, रोज ही दिखेगा, रोज ही दिखेगा, खुद को भी दिखेगा, दूसरे को भी दिखेगा। बहुत शानदार। और चौबीस कुछ में बोलना तारीख चाहते हैं? जी दी है 2024 लास्ट दिसंबर महीना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? बाइक लिखा था और 2023 में हमने उसको प्राप्त किया था। अच्छा, बाइक भी आपका अचीव हो गया है, बहुत शानदार। और अब कार के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत शानदार। और भी ड्रीम्स को जो है इलाज करिए, छोटे और बड़े बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। मैं बोलता हूँ हमेशा 15 ड्रीम्स कम से कम करो, 20 लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 15 ड्रीम्स को आप लिखो। सुमित्रा मैडम आइए एक बार। मॉर्निंग सर, जी मैम, मेरे 3 टर्म, जैसे शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और अल्टीमेट टर्म गोल है। अल्टीमेट गोल मेरा है फाइनेंशियल फ्री होना क्राउन डायरेक्टर के साथ, और अपना सोशल जो भी वर्क होता है उसको मुझे जो अपने मन से पूरा करना। और मेरा लॉन्ग टर्म गोल हो गया फाइनेंशियली फ्री होके मेरे बच्चों को अच्छा, जो वो लोग जिस कॉलेज में पढ़ना चाहेंगे, जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे, बाहर पढ़ना चाहेंगे, उनका सपना पूरा करना। जी और मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो गया कि मुझे जल्दी से जल्दी 50 से 70 80,000 में मुझे पहुंचना है। उसके बाद में मेरी बड़ी वाली बच्ची इस बार HSLC एग्जाम देने वाली है, उनका एग्जाम का रिजल्ट पास आउट होने से, मतलब जिस दिन उसका पास आउट होगा उस दिन मेरा सपना है मेरा कार आना। बहुत बढ़िया मैम, और मेरे सीनियर का भी मुझे मन है कि मैम आप कार ले लो, आप कार ले लो। मैं स्कूटी में सारा फील्ड वर्क करती हूँ, स्कूटी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करा था, लेकिन उसका जो भी किस्ती भरना था मैंने माई रिचार्ज से भरा है। वो स्कूटी गिफ्ट करके भगवान के पास, भगवान के हो गए, लेकिन मैंने उस स्कूटी का किस्त इसी माई रिचार्ज आयुर्वेदा अपने कंपनी का जो भी इनकम था उसी से मैंने अपने बच्चों का पढ़ाई भी मैं करा रही हूँ, और मैंने स्कूटी का किस्ती जो भी मेरा LIC का जो भी इसी से मैं करती हूँ अभी। तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है क्राउन डायरेक्टर बनना, फाइनेंशियली फ्री होना, और अपने जो भी जहाँ भी डोनेट करना है, जो देना है लेना है, मुझे वो फ्रीडम मिलना है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम। तो मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। सुमित्रा मैम तो रेगुलर प्लान भी दिखाती हैं, वो ग्रुप और होम मीटिंग भी करते हैं एवरी डे ही, उनका मैं देखता हूँ कि ग्रुप में उनका लगातार चलता रहता है। और बहुत डेडिकेटेडली जो है वो सिंगल मदर जो है अपनी पूरी फैमिली को हैंडल कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे टाइम पे जो है उनके जीवन साथी नहीं रहे, तो उस टाइम पे भी हमने जो है डिस्कशन करके कि मैम अभी आपके पास और कुछ नहीं है, आपका बिजनेस बना है, इसको आप और बड़ा करिए, आप माँ भी हैं बच्चों की और पिता भी हैं, और इसको बड़ा करिए। और उसी उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इन्होंने लिखा है। मैं सुमित्रा मैम एक दो चीजें आपको बोलना चाहता हूँ। आपने बोला है कि 70 80 हजार इनकम करना है, तो उसका एक ना तारीख आप लिखिए। आप एमरल्ड डायरेक्टर हैं लेकिन एक डेट लिखिए, है ना? तो उसके ऊपर फिर उसका पीछा करते हैं हम लोग डेट का। नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है, अभी आपके पास स्कूटी है, आपके हस्बैंड ने दिलाया, आप उसकी किस्त भर रहे हैं, लेकिन आप देखिए हाँ क्या आपकी जो इनकम है वो आपकी कार को सपोर्ट करती है क्या? क्योंकि मैं सारे साथियों से बोलना चाहता हूं कि कार लेना अच्छा है लेकिन मेंटेन करना उतना ही मुश्किल भी है। तो कार हमें तब लेनी है जब हम उसको इजीली मेंटेन कर पाए। कब? हमको हमेशा देखना है कि ये बिजनेस में मेरे को जो इनकम आ रही है, अगर अगले 6 महीने इसमें एक भी पैसा नहीं आए तो भी मेरी कार चल सकती है क्या? अगर ऐसा है तो आप कार ले सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अगर 180 दिन तक आप अपनी उस कार को चला सकते हैं
तो वो कार कभी रुकेगी नहीं, फिर आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं उस चीज को, क्योंकि कार जो है वो रिक्वायरमेंट तो है लेकिन उसके साथ लग्जरी भी है। मैं बोलूंगा लोगों को घर सबसे पहले बनाओ, तो घर आपको कभी भी जो है लॉस नहीं करता, प्रॉफिट करता, लेकिन कार चाहिए। भाई मैं कैसे रोक सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी कार है, तो मैं किसी को रोकूंगा नहीं, लेकिन इसके लिए हमको, आपके सीनियर बोल रहे हैं, आपके सीनियर तो बहुत समझदार हैं सारी चीजें, लेकिन आपको अपने घर का सब चीजें देखना है, क्योंकि आपके बच्चों के एडुकेशन, आपकी फैमिली, आपकी रेपुटेशन, ये सबसे पहले है। तो उसकी एक तारीख हर चीज को दीजिए मैडम, और उसके अकॉर्डिंग करना है। इतनी सारी चीजें बोली हैं, मैं सुमित्रा मैडम के लिए एक जोरदार क्लैपिंग आप सारे साथियों से चाहता हूं कि उनके साहस को जो है हम लोग सैल्यूट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे आने वाले टाइम पे, उन्होंने बताया है कि वो तो क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचना चाहती हैं और पहुंचेंगे निश्चित रूप में। बबीता मैडम के पास आते हैं, एक और जुझारी जुझारू लेडी हमारे वेस्ट बंगाल से। जी क्या मॉर्निंग सर जी। शॉर्ट जी टर्म में ड्रीम तो है ही है मेरे, और जी कुछ लॉन्ग टर्म भी ड्रीम है, वो भी मैं बताना चाहूँ। शॉर्ट टर्म ड्रीम, जैसे मैंने आपसे लास्ट दिसंबर में अपने कमिटमेंट हुआ था कि मैं 14 फेब को मोबाइल लूंगी, ये मोबाइल जी जो है मेरा काम। तो 14 फेब से पहले ही मैं 21 जैन को ही मैं ले चुकी हूँ ये मोबाइल। तो आज अच्छे से साउंड में और फोटो क्लियर में भी, सब पिक्चर क्लियर में भी अच्छे से जूम में आ सक रहे हैं। और आगे लॉन्ग टर्म ड्रीम है कि आज मैं जहाँ रह रही हूँ, जो रेसिडेंस है वो 6 फ्लोर पर है, तो पहला तो मुझे एक फ्लैट लेना है अच्छा नीचे, ताकि मुझे चढ़ने उतरने में कोई भी चीज में दिक्कत ना हो। और अपने बच्चों को जितने भी एडुकेशन, जो भी उनके ड्रीम है बच्चों के, वो सारे पूरे करने हैं मुझे मेरे अपने ये माई रिचार्ज के पैसों से ही। और एक बच्ची जो लंदन गई हुई है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई हो गई है उसकी क्लियर, प्लस उसका जो भी मैंने लोन लिया है, तो वो लोन भी मैं ये माई रिचार्ज आयुर्वेदा से 2026 तक मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, देखिए खुद की, हाँ बोलिए बोलिए, आप और बोल रहे हैं, रोक नहीं पाऊंगा। और छोटे छोटे शॉर्ट टर्म ड्रीम, तो जैसे अभी एक लैपटॉप भी लेना है, तो वो लैपटॉप नेक्स्ट अभी जैसे जैन है, फेब मार्च मार्च तक मैं वो लेने का मतलब पूरा करूंगी। बहुत बढ़िया मैम, उसकी भी तारीख लिख दीजिए, जो भी मार्च की आप तारीख है, 31 है कि 21 है कि 25 है, जो भी है वो तारीख लिख दीजिए, तो उस पे अचीव होंगे। और मैं संस्था से भी कुछ, संस्था से जुड़ करके जी संस्थाओं की भी मतलब भलाई करना चाहती हूँ। और पहला तो है कि मेरा कोई भी अभी जैसे सफायर है, डायमंड है, एमरल्ड है, जो भी पहुंचना है, कि मेरे जितने भी हटलाइन है उनको मैं सपोर्ट करूंगी, उनको पूरा अपने पैरों पे खड़ा कर दूंगी, तो मैं अपने आप ही हर एक स्टेप को पार कर लूंगी और इनकम भी मेरा अपने आप ही हो जाएगा। तो बहुत मेरा सबसे शानदार, बड़ा एक ड्रीम है कि मैं मेरे हटलाइन को, उनको तैयार करूं पूरी अच्छे रूप से, उनको तैयार कर दूंगी, तो फिर मेरे को कोई बहुत चिंता नहीं बढ़िया रहेगी। बहुत बढ़िया, ये राजस्थान से ही आती हैं मैडम, तो ये तो जानती होंगी। मैं एक कहावत यहाँ पे बोलूंगा, मारवाड़ी में बोला जाता है, हमारे यहाँ जड़ बढ़ेंगी तो सब कुछ बढ़ेगा, है ना। तो जड़ जो है हमारी कौन है, हमारी रूट्स कौन है, हमारी हार्ट लाइन जो है, हमारी रूट्स है, अगर वो बढ़ेंगी तो सारे ड्रीम अपने आप अचीव होंगे, है ना। फ्रूट बहुत अच्छे होंगे, रूट मजबूत तो फ्रूट बहुत अच्छे होंगे। तो आपने मोबाइल अचीव की खरीदा है, लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, बेटी को एडुकेशन लोन लेके आपने लंदन पढ़ने भेजा है, उसको आप चुकाना चाहते हैं, छठे माले पे आप रहती हैं, उसको और नीचे आना चाहती हैं क्योंकि ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है बार बार इसको लेके। और आज से 1-1.5 साल पहले मैं आपसे जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि बबीता मैडम ने कि सर मेरा क्या होगा, तो उस दिन मैंने बोला था मैडम सब कुछ होगा, आप अपना अपना हिम्मत लीजिए, आपके साथ हम खड़े होंगे, काम आपको करना पड़ेगा, आपकी जगह फील्ड में हम नहीं करेंगे। और उसके बाद से जाते हुए जो है मैडम ने आगे बढ़ना शुरू किया, आज उनके चेहरे के भी आप ग्लो देखेंगे, एक सेटिस्फेक्शन देखेंगे, और कितनी लेडीज को जो है अपने साथ वो जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। एक जोरदार क्लैपिंग तो इन मैडम के लिए भी होनी चाहिए, अपने ड्रीम्स के लिए किस रूप में आगे बढ़ रही हैं।
बहुत शानदार। स्वर्णलता मैडम को बुलाएंगे अभी दिल्ली से। माई चार्ज मॉर्निंग सर। जी मैडम। सर मेरा एक इमोशनली ड्रीम ये रहेगा कि मेरा सबसे पहले हेल्थ और वेल्थ ड्रीम है, लेकिन सबसे पहले मैं हेल्थ को लूंगी, क्योंकि मैं 1.5-2 साल से इस चीज से बहुत जूझी हूँ कि जिसमें मेरी फैमिली भी इंक्लूड है और मैं खुद भी इंक्लूड हूँ। तो जी 2 मंथ से मैं इसमें फ्रिक्वेंटली, मतलब कि अब मैं फ्री हूँ हेल्थ के चक्कर से, तो अब मैं इस काम को अपना कंटिन्यू कर रही हूँ 2 मंथ से। तो 2 मंथ से मैं अपना प्रॉपर जो फील्ड में होता है वो निकली हूँ सर। अब मेरा इमोशनली ड्रीम तो था, मैंने बहुत कुछ लिया है माइट चार से, ऐसा नहीं है, मेरा खुद का फ्रेंचाइजी भी है, अपना गाड़ी भी अचीव करा हुआ है, लेकिन इसका क्या है कि जो कुछ चीजें छूटी थी, कुछ रॉयल्टीज हैं जो मेरी छूटी हुई थी, वो उन पे हम वर्क कर रहे हैं अपनी अपलाइन से मिलके सर। तो मेरा रहेगा मार्च 25, 2004 को डबल डायमंड को अचीव करना सर, और उसके साथ साथ जो रॉयल्टी मेरी छूटी हुई है, जैसे मेरा हाउस फंड कंप्लीट नहीं है, उस पे जाना चाहूंगी सर, और ये डेट मेरा यही 25, 24 हो रहेगा सर। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। पहले हेल्थ के कुछ इशू थे मैडम को, उन्होंने ठीक किया है अपने उसको लेके, और अपने ड्रीम्स लिखे हैं। कार फंड अचीव करती हैं, उससे कार भी इन्होंने लिया है, उसको मेंटेन करती हैं। दिल्ली जैसे शहर में रह के जो है बहुत सारे चैलेंज होते हैं, और फुल्ली जो है अभी अपने आप को फिट करके जो है वापस फील्ड में है, और सारे स्पेसिफिक एक डेट दी है कि मैं कब कब क्या क्या चीज को अचीव करूंगी। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त स्वर्णलता मैम। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बीना मैडम को सुनते हैं एक बार। मैरीचाल मॉर्निंग सर। मैरीचाल मैंने ही मॉर्निंग सर अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम लिखा है, उसमें जी मैंने तो सबसे पहले लिखा है कि मैं फरवरी में डायमंड डायरेक्टर बनूंगी सर, और जी जून तक मैं जल्दी से जल्दी 50,000 रुपया इनकम तक पहुंच ही जाऊंगी, और 24 खत्म होते होते मेरी इनकम लाख तक पहुंच ही जाएगी सर। और मेरा मेरा सपना है एकदम दिल से, जो मैं मेरे जैसे 12 को डायमंड डायरेक्टर जल्दी से जल्दी मैं उनका अचीव कराऊं सर। और 2026 में मैं मेरे हस्बैंड को एक गाड़ी गिफ्ट देना चाहती हूँ, हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए सर बहुत ये मैंने बढ़िया, सपना लिखा है। बहुत शानदार मैम। तो बीना मैम भी रोज फील्ड में निकलती हैं, होम मीटिंग करती हैं वीकली, और इसके अलावा जो है अपलाइन की जो मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, और स्पेसिफिक लिखा है कि मुझे डायमंड डायरेक्टर बनना है, 50,000 की इनकम पे इस साल में पहुंचना है, और अल्टीमेट गोल तो मेरा जो है वो क्राउन एम्बेसडर है। लेकिन किसके साथ? 12 डायमंड के साथ, ना कि सिल्वर के साथ, इसको करना है। लेकिन इसके अलावा जो है बहुत सारी लेडीज एक्सपेक्ट करती हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे को गिफ्ट करेंगे मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे, लेकिन वो खुद अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे अपने हस्बैंड को एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हैं। और मैडम, इसका डेट अगर आपने लिख दिया है तो आप एक लिखा दिन है यहाँ सर, बताने ही लिखा वाली है हैं सर, कि डेट आपने, लिखा है और उसे दीवार पर भी लगा दिया है। हाँ, तो अचीव होगा। जितना हम लगाएंगे, जितना हम एक्सपोज उसको करेंगे, जितना हम उसको सोचेंगे वो होगा। एक अच्छी चीज हमने नोटिस की है कि बीना मैडम ने वो बहुत, मतलब ना बहुत जल्दी है ना वो बहुत दूर है, अगले 3 साल का पूरा एक खाका खींच के जो है रखा। मैं बोलता हूँ 3 साल के ऊपर जो है काम करो, 5 साल हमको करना है, लेकिन 3 साल को एकदम जो है टाइट रूप में हमको काम करना है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, और उसके लिए सौदा प्लान सौदा प्रोडक्ट तो करना ही करना है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त बीना मैम। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। राजेंद्र जी आइए एक बार, राजेंद्र भूकल। जी सर, माय मॉर्निंग सर। सर जी सर, जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर थैंक यू सर। सर जो आपने एक लाइन बहुत ही बढ़िया मेरे लिए बोली है सर जी, सपनों जी का सबसे ज्यादा खतरनाक है सपनों का मर जाना। जी मेरे भी सर सपने 2-3 महीने से मर रहे थे, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ सर। आपने ये लाइन मेरे लिए बहुत बोली बढ़िया सर। तो जी सर आज से ही मैं अपना ड्रेस कोड को चेंज करूंगा, और सर जी 1 दिसंबर 2024 तक मेरी कोई भी लेग मेंटेन नहीं हो रही है, और मेरा सिल्वर क्वालिफाइड है लेकिन मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा। मैंने उसको लिखा सर, मैं 6 लेग को कंप्लीट करके ने और मेंटेन करूंगा सर। 1 दिसंबर 2024 तक के लिए मैंने सर ये लिख दिया सर जी, और सर फाइनल मैंने 50,000 रुपये महीना इस साल में 2024 में कमाने हैं सर जी। और अल्टीमेट गोल सर जी डायरेक्ट क्राउन डायरेक्टर का लिखा है सर जी, मैं 2030 तक
वहां पर पहुंचने का लक्ष्य लिखा सर, और ये डायरी गोल्डन लेके आए सर, इसको ऊपर आपने सपने लिख दिए और सारी बातें लिखी है सर, ज्यादा मैं जानकारी नहीं रखता, बाकी जैसे सीखता हूँ मैं लिखता हूँ और कंप्यूटर लिखा भी हूँ सर। तो ये मैंने चीजें आज लिखी हैं, 14 प्लान 14 प्रोडक्ट, मैं 2 प्लान कम से कम डेली करूंगा सर, ये कमिटमेंट मैंने लिख दिया सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब इसको ने खोने नहीं देना है, आपने अभी तो इसको पा लिया वापस से, तो रोज आके हम नहीं बताते ना सर, तो इसको जब लिख लिया तो उसके ऊपर फिर खुद को ही खुद के साथ जो है वो स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जो ड्रीम्स लिखे हैं इनका तरीका क्या है कि खुद के साथ हम कैसे जिए, तो इसको जरूरी है कि हम डायरी के साथ दीवार पे भी लिखें, बोर्ड पे भी लिखें, वहां वहां लिखें जहां पे हमारी दिन में नजर पड़ती है, नंबर वन। नंबर टू है कि रोज हम उनको पढ़ें और रोज शाम को सोने से पहले खुद से पूछें, आज के दिन में मैं अपने ड्रीम्स के नजदीक गया अपने सपनों के कि दूर गया मैं उनसे, मैंने क्या किया। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ अगर हम 2 मिनट का रिव्यू करेंगे तो हम पाएंगे कि अगले 3-4 दिन में अगर हम उसके नजदीक नहीं जा रहे थे तो उस डायरेक्शन में काम शुरू कर देंगे, और अगर जा रहे थे तो और खुशी भरे चेहरे से हम लोग और अच्छे से काम करेंगे। बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। विकास मिश्रा जी आइए एक बार। यस सर, मारी चार गुड मॉर्निंग। मारी चार गुड मॉर्निंग सर। सर मारी चार्ज में काम करते हुए तो मैंने अपना 2 व्हीलर भी खरीदा, 4 व्हीलर भी खरीदा, लेकिन सर अभी कुछ अपना सपना है जो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं जी। जैसे मेरा अपना घर नहीं है सर, घर बनाना है मेरे को, डेट दिए हम 2027 साल अपना घर होगा मेरा, लेकिन फिलहाल अभी सर मेरे को 2 टारगेट के लेके काम कर रहे हैं, 2 सपना के ऊपर काम कर रहे हैं। एक है डबल डायमंड डायरेक्टर, सेकेंड है अपने इनकम को इंक्रीज करना है मेरे को, एक लेवल पे ले जाना है सर। तो अब ये तो है, लेकिन अब मैंने सोचा कि ये आएगा कैसे, क्योंकि पैसा तो आता है प्लान से, पैसा तो अलग से कहीं से नहीं आता है, कंपनी ने दे, कंपनी पैसा प्लान में रखी है, तो मैं बार बार प्लान को देखता हूँ कि क्या करने से मेरे पैसा बढ़ेगा। तो बहुत बार सर आपने बोला कि 6 लेख से, अभी मेरा टारगेट एक चल रहा है सर कि आने वाले मई महीना में मैं ये कंप्लीट करके रखूंगा सर, ये मेरा प्लानिंग है, इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। 6 लेग से मेरा जो बिजनेस है वो हो रहा है वो होने दीजिए, 6 लेग से मिनिमम मेरे को 1 लाख का बिजनेस करना है, 6 लाख 6 लेग से। तो 6 लेग से यदि 1 लाख का बिजनेस होता है तो सर मेरा डबल डायमंड भी कंप्लीट होगा, और यहाँ पर मेरा इनकम जो है वो इनकम नियर अबाउट 3 लाख हो जाएगा सर। इसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं सर, यही मेरा मिशन है, यही मेरा मिशन है शॉर्ट टर्म। बहुत शानदार, बहुत शानदार मिश्रा जी, आपने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, कार फंड भी लेते हैं, हाउस फंड भी लेते हैं आप ट्रेवल फंड भी लेते हैं, आप हमारे साथ सिंगापुर भी गए हैं, इसके अलावा जो है आपने बोला कि बाइक भी लिया है, बहुत चीजें लिया है, मोबाइल लिए, तो अब आप ऐसे लोग हो गए हैं कि वो आप काउंटिंग भी करने की जरूरत नहीं है कि मोबाइल लिया ये लिया वो सारा, घर की बहुत सारी मिक्सी हो गया, ये हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, बहुत चीजें हैं जिन जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक शब्द बोला, मैं बहुत दिन से माई रिचार्ज में हूँ और सक्सेसफुली काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ सर, तो मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ उस चीज में। तो मिश्रा जी ऑलरेडी आपको तो सिर्फ 3 लेग को और बड़ा करना, 3 लेग में बहुत शानदार आपका लाख नहीं कई लाख का आपका बिजनेस हो रहा है, और 3 को हमें मजबूत करना है, हमें काम 12 लेग पे ही करना है, ध्यान रखना है, लेकिन पहले 6 को इतना मजबूत कर देना है कि अगली 6 अपने आप आएंगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 लेग पे काम करूं कि 12 पे करूं, मैं बोलता हूं ना 2 पे करो ना 12 पे करो, एक बार 6 पे करो, 6 × 6 6 रॉयल्टी अचीवर हर लेग में और 6 लेग में रॉयल्टी अचीवर, 36 रॉयल्टी अचीवर खड़े कर लो पहले, 72 कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, अगली 7वीं से 12वीं एकदम से चले जाएंगे, इतना मजबूत हो जाओ कि 4 से 5 लाख रुपया यहाँ पे आने लग जाए, क्योंकि 36 जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 4 लाख से कम अगर किसी को आए तो मुझसे फोन करना कि सर मुझे 4 लाख नहीं आ रहा महीने का, मैंने 36 ऐसे भी 6 कर लिया और ऐसे भी 6 कर लिया, 36 रॉयल्टी अचीवर मेरे
टीम में यहाँ पे है, आएगा ही आएगा ऑटोमेटिक, इस प्लान की ब्यूटी है। तो आपने सारी चीजें लिखी है कि साहब बड़ा घर नहीं है, अपना घर लेना है, इस चीज को लेके। और बहुत संजीदगी से बात करते हैं हमारे साथी। मैं चाहता हूं मिश्रा जी, आपके ड्रीम पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं आपकी टीम में जो आपने लिखा है कि 6 लेग पे, तो इन 36 साथियों का ड्रीम जो है सर, उनकी डायरी में भी आप बनवाइए, उनके घर की दीवार पे भी बनवाइए, उनके बोर्ड पे भी बनवाइए। और पैसा तो प्लान में है, आपने बोला है, तो पैसा तो प्लान में है, तो सो द प्लान सो द प्रोडक्ट हमारी टीम में रोज होना चाहिए। मिश्रा जी ने जो बात बोली है, ये सब लोग इसको जो है हम लोग नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार सर। संजीव जी आइए एक बार बिहार से। सर मैं चाहे मॉर्निंग सर। जी सर। सर हमने तो सर गोल बहुत यानी कि अल्टीमेट लिखा था, कुछ सुधार करना है सर इस बीच में, कुछ किया है, कुछ करना भी बचा हुआ है। तो सर मैं अभी बाइक सर 2 लाख का लिया हूँ, उसका यार सर EMI देना पड़ता है जी, और जो है मैं देना पड़ता है सर। मैं सर सारा चीज को भी मेंटेन कर रहा हूँ सर। मेरा सर यही है 2024 में यानी कम से कम डबल डायमंड डायरेक्टर सर बनो दिसंबर तक। हाँ लेकिन पहले उससे पहले जो रैंक में है उसका जी, जब तक हम छोटे गोल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे ना तो बड़े गोल अचीव नहीं होंगे, और छोटे गोल्स को हम इतना लंबा टाइम दे देंगे कि वो हमारी पकड़ से बाहर हो जाएंगे तो फिर अचीव नहीं होंगे। तो छोटे गोल्स को छोटा टाइम देके छोटे टाइम में अचीव करना है ना, तो स्टेप्स बाय स्टेप हमें जाना पड़ेगा, सीढ़ी दर सीढ़ी बोला जाता है ना इसको, उस चीज को अगर हम नहीं जाएंगे तो अचीव नहीं होंगे। हमारा सबका सपना है बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, 4x2 सारी चीजें हैं, लेकिन पहले छोटी छोटी चीजों को है ना, एक अच्छा मोबाइल, घर में एक अच्छी कोई चीज, कोई भी चीज जो बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, उन चीजों को करके हमको करना है, तो उस चीज के ऊपर जाना है। आपने बाइक खरीदी है 2 लाख की, ठीक है, उसके आप EMI दे रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन आप सोचिए कि उसको बिना EMI के अगर आप लेते, बहुत शानदार ढंग से कोई चीज को चलाते तो और मजा आता करके। इसलिए मैं बोलता हूं कि ड्रीम्स को लिखते वक्त जो है ना, आपके पास एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा मेंटर जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करे, उसका होना भी बहुत जरूरी है। कई बार हमारे कुछ यूज की चीज नहीं है, उस चीज को हम लोग ले लेते हैं, देने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, इस चीज को आप नोट करिए, वो चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं है अगर उसको आप खरीदेंगे, वो चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं है उसको अगर आप खरीदेंगे तो आपको वो चीज बेचनी पड़ेगी जिसको आपको बहुत सख्त जरूरत है। आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा जो चीज चाहिए उसको आपको बेचना पड़ेगा, उससे महरूम होना पड़ेगा, उससे दूर होना पड़ेगा जो आपको चाहिए, अगर आप गलत चीजें अपनी जिंदगी में खरीदेंगे, है ना। जैसे हम प्लान दिखाने नहीं जाते तो हमारे ड्रीम जो है उसको बेचना पड़ेगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा, मेरा घर नहीं होगा अच्छा, गाड़ी नहीं होगी, लेकिन मुझे आज मेरी इनकम है 40,000, मेरी इनकम है 30,000, मेरी इनकम है 50,000, और मैं 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी खरीद लूंगा, ये सब कुछ मेरा हिला के रख देगी। किससे चुकाऊं कि और करूं कि पेट्रोल डीजल डालूं कि क्या करूं, तो अभी नहीं लेने की जरूरत है, पहले मुझे लाख सवा लाख पे पहुंचना है, तब मैं गाड़ी ले सकता हूं मेंटेन कर। तो हमें वो चीजों को हमेशा ध्यान रखना, इसलिए एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है लाइफ में, इसलिए मेंटर का काम है। मैं बोलता हूं 15 गोल लिखो छोटे से बड़े, फिर उसके टुकड़े करो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और अल्टीमेट। तो हमें अपनी ठीक है औकात से बड़े पैर फैलाओ, हमारा तो काम है ये बताना, लेकिन फिर उस औकात को भी हमें डेवलप करना है, इस चीज को ध्यान रखना है, अदर वे में नहीं लेना है। मैंने संजीव जी आपको बोला है इस चीज को, मैं सारे साथियों को बोल रहा हूँ। रमेश बारेठ जी आइए एक बार। मॉर्निंग सर। जी सर। जी सर, मेरा तो कई सारा ड्रीम है सर, मैं भी 15 ड्रीम लिख के रखा हूँ सर, साले सर 16 ड्रीम लिख के रखा हूँ, उसे मेरा कुछ कुछ ड्रीम अभी पूरा भी हो चुका है सर, और मेरा अभी अगला एक ड्रीम है सर कि पूरी घूमने जाना है, पूरा फैमिली के साथ बोल के मैंने लिखा था सर कि 5 फरवरी को 2024 में जाना है बोल के, ये मैंने लिखा था 19 नवंबर 2023 को सर, और ये फरवरी में पूरा होने जा रहा है सर, बट डेट इसका थोड़ा बढ़ गया है, 21 तारीख हो गया है, लेकिन वो मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। और मेरा एक ड्रीम लिखा था सर, मैंने मोबाइल खरीदना है बोल के जनवरी 2024 में,
वो मेरा सर उतना पेमेंट तो आया सर कि मैं खरीद सकता था, लेकिन मेरा उसी से सारा घर का भी मेरा खर्चा चलता है, इसीलिए मैं वो ड्रीम अभी पूरा नहीं कर पाया। और अगला मेरा ड्रीम है सर कि मेरे को घर बनाना है बोल के 2025 से मैंने लिख के रखा है सर कि 30 लाख रुपए का वो घर मैं बनाऊंगा और 21 नवंबर 2025 तक वो कंप्लीट होगा। ये मेरा अभी बड़ा ड्रीम है सर। थैंक बहुत यू। शानदार सर, पूरी घूमने का फैमिली का प्लान लिखा था, अचीव किया, मतलब उस इतना पैसा आ गया कि घूमने जा रहे हैं फरवरी में, मोबाइल के लिए भी जी लिखा पैसा आया, लेकिन दूसरे काम और कुछ आ गया तो पैसा था मोबाइल के लिए जी जो सोचा था उतना पैसा आया, लेकिन अभी नहीं लिया है तो अगले महीने ले लीजिए सर। जी और सर थोड़ा सा बड़ा काम करना है, घर हाँ भी जी लेना है, इसके अलावा घर में बहुत सारी चीजें उनको भी करना है, बच्चों के एडुकेशन भी, सारी चीजों को ध्यान रखना। बहुत अच्छा रमेश जी, अच्छे से बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत शानदार, आगे चलते हैं। दीप्ति मैडम को बुलाते हैं एक बार, दीप्ति तेंदुलकर जी। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। मैम पहले सर मैं बोलूंगी कि आपको थैंक यू सर जी, क्योंकि पहले एक्चुअली सर मैं दिल से एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे डैडी के ना, डैडी मेरे मतलब उनके समाज में बहुत अच्छा नाम था, घर पर 100 200 लोग आते थे। मुझे बचपन से ही लगता था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि डैडी के जैसे मेरे पास भी एडवाइस लेने लोग आए, मैं भी आगे बढ़ूँ ऐसे। तो पहला इससे ये सर मेरा सपना ये पूरा हुआ पहला, कि इतने मेरे जो लोग मिले हैं अच्छे बहुत लोग मिले हैं, 500 600 लोग हैं, लेकिन सर एक कनेक्शन उनसे बड़ा है कि वो मुझे अभी जानते हैं, कैसे पहले की जान पहचान भी नहीं मेरी टीम से, जी लेकिन ये जो संबंध हुआ है सर, रिलेशन हुआ है सर, इससे एक समझ में आता है कि सर हमारा मेरा मानना है कि हमारा तीन ऋण होते हैं हम पर, एक माता पिता का ऋण होता है और एक गुरु का ऋण होता है, एक समाज का ऋण होता है सर। तो यहाँ पर ये नेटवर्क इतना अच्छा मिला है कि मेरा ड्रीम पूरा होगा ही होगा, उसके साथ मैं कुछ समाज के लिए दे सकती हूँ, ये मेरा मेन है सर। दूसरी जो बात है कि मैं बचपन में ना सर मैं डॉक्टर रेगे ऐसे लिखती थी, मुझे डॉक्टर बनना था सर, और मेरे जी ही कारण नहीं बन पाई, लेकिन वो जब मैंने देखा कि मम्मी मेरे डैडी और मेरे सास ससुर अस्पताल में थे ना, तो उनको देखकर मुझे लगा कि मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए और दूसरों के लिए। तो सर आयुर्वेदा हम लेकर बड़े हैं ना, तो यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगता है कि लोग बोलते हैं कि अच्छा लगा ये आपने कॉम्बिनेशन दिया, तो ये मेरा फीलिंग है कि मैं दूसरों को क्या अच्छा दे सकती हूँ। और तीसरा सर मेरा एक अल्टीमेट लास्ट गोल है ना सर, कि कैंसर और एड्स के लिए जो पेशेंट है, जो लास्ट बोलते हैं डॉक्टर कि आप घर जाओ आपको कुछ भी नहीं होता, वो जो टाइम होता है ना सर, वो बहुत एकदम ये दिल पर होता है कि क्या करें टेंशन इनके लिए। होता तो है। सर मैं उनके लिए ना ऐसा सदन ऐसा घर बनाना चाहती हूँ कि वो उनका लगे, उसको कोई उन पर उपकार नहीं कर रहा है, वो उनका हक है, इसके लिए वो रखो, ऐसा मेरा मन है सर जी। इतना ही बोलूंगी सर। बहुत थैंक यू। शानदार, बहुत शानदार। आप सुनेंगे, आप देखेंगे कि दीप्ति मैडम के ड्रीम्स कुछ अलग हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि सबके गोल और ड्रीम जो है ना वो अलग अलग हैं, तो उनको हम एक साथ मैच नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास एक शानदार घर ऑलरेडी है, उनके पास गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उसने उनसे पहले मेरा बात होता था, अब वो बहुत डिफरेंट रूप में काम करने लग गई है। वो उनको लोकल एरिया में जो है लोग बोलते हैं राजा की बेटी ने, उनके फादर का इतना बड़ा ओरा है पूरा ये करके, तो बहुत बहुत सारी चीजें जो जीवन जरूरी जो बोलते हैं ना, वो बहुत सारी चीजें हैं उनके पास, लेकिन फिर भी वो माय रिचार्ज में रेगुलर रूप में क्यों आगे बढ़ रही है, क्यों बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ चीजें रखी हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ड्रीम्स अलग अलग होते हैं सबके, तो उसके लिए ही जो है मैडम जो है काम कर रही है कि भाई इस रूप में हम कुछ हेल्प कर पाए, कुछ जो है हम आयुर्वेद को आगे ले जा पाए करके, एक लोगों के साथ मेरा और कनेक्ट हो, और ज्यादा जो लोग हो, गोवा में तो 12-13 लाख लोग रहते हैं, लेकिन एट ए टाइम 50-60 लाख लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वो 12-13 लाख लोगों तक भी बहुत सारे लोग जो है नहीं आपस में कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें कैसे हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो ड्रीम अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे साथी हमारे पास हैं, लेकिन टाइम हमको अलाउड नहीं कर रहा बिल्कुल भी, टाइम ऐसे हो जाता है ना, अभी ये जूम इतनी इंटरेक्टिव हो गई है कि देखते देखते टाइम चला जाता है। तो फिर अगली बार एक सेशन करेंगे, तब आप सारे साथियों से मैं बोल आपको मौका देंगे, तो
ये जो साथी अभी छूट गए उनका मैं नाम पढ़ूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगली बार थोड़ा जल्दी अपना हैंड रेज आप करते हैं, तो मैं नाम पढ़ देता हूं जो हमारे ड्रीमर्स हैं जिन्होंने अपने ड्रीम्स के बारे में बताना चाहते थे लेकिन आज नहीं बता पाए। संतोष गुप्ता, रमेश कुमार गोंड, सुल्तान मौला, राखी चौधरी, इला मैम, सपना मैम, रमेश कुशवाहा जी, यूसुफ अली, मौसमी मंडल, सत्यवान वैद्य जी, किया मुखर्जी, तो ऐसे बहुत सारे साथियों ने जो है हमारे हाथ खड़े किए हैं। ये सब ड्रीमर्स हैं, इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हम लोग कर देते हैं। क्लैपिंग आप सारे साथियों के लिए कि आप 850 साथियों ने जो है आज की जूम में पार्टिसिपेट किया। आखिर में कुछ साथी चले जाते हैं, मैं उनको बोलूंगा आखिर तक रहिए, बहुत मजा आता है इस जूम को। 1 घंटा अपनी जिंदगी में इतने बिजी मत होइए कि 1 घंटा नहीं निकाल पाए, ये 1 घंटा 100 घंटे निकालिए एक बार 100 दिन तक, देखिए आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजों का चेंज आ जाएगा। आज की मीटिंग की होस्टिंग की हमारे यहाँ नीतू मैम ने, और को होस्ट हमारे साथ थे किशोर शर्मा जी, तो इन दोनों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह एक शानदार टेस्टिमोनियल के सेशन के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। आप सारे साथी अपने टेस्टिमोनियल लेके आइए, अपनी टीम के उन साथियों के टेस्टिमोनियल भी बोलने को बोलिए जिन्होंने आज तक नहीं बोला है, ठीक हुए, फायदे हुए, माई रिचार्ज के प्रोडक्ट से बेनिफिट ले रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे न्यूट्रा के प्रोडक्ट हो, चाहे वो आयुर्वेद के प्रोडक्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हो, चाहे दूसरे प्रोडक्ट हो, उनका बेनिफिट मिला है, उन सारे साथियों को जो है कल सुबह हम लोग स्वागत करेंगे। कल सुबह आज से ज्यादा साथी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय मारी चार, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।